मिसाइलों को लेकर ऐसा क्या कहा है कि मच गया है बवाल, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स ने टाटा की तारीफ क्यों की, अचानक से भारत की तारीफ क्यों करने लगा, कल तक तो गालियां दे रहा था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान ने मिसाइल शक्ति को लेकर बड़ा दावा किया है। एक ईरानी कमांडर ने कहा है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के मामले में ईरान दुनिया के टॉप 6 देशों में शुमार है। ये बयान ईरान की सरकारी मीडिया में प्रकाशित हुई है। हालांकि इसके बाद से ही ईरान की मिसाइल क्षमताओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। IRNA के रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी सेना के वायु रक्षा बल के एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रेंज के मामले में ईरान 6 देशों में शामिल है। ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में दावा करने वाले ईरानी सैन्य कमांडर का नाम ब्रिगेडियर जनरल अब्बास अजीमी है। वो उत्तर पश्चिम ईरान में सेना वायु रक्षा बल के कमांडर हैं। उन्होंने शनिवार को ईरानी सेना से अलग एक स्वतंत्र सैन्य यूनिट के रूप में ईरानी एयर डिफेंस की स्थापना के वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में ये दावा किया। रिपोर्ट में कहा गया कि कमांडर ने ईरानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के रेंज नहीं बताए, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि उनकी रेंज ने ईरान को दुनिया के 6 बड़े देशों में शामिल कर दिया है। ईरान हाल के सालों में एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए जमकर पैसा लगा रहा है। इसके लिए ईरान ने दूसरे देशों से भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का प्रयास किया है। 2018 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने सीरिया में अपने खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम के 3 यूनिटों को तैनात करने का प्रयास किया। ये सिस्टम बावर 373 जैसे सोवियत एंटी डिफेंस सिस्टम पर आधारित है। एयर डिफेंस सेक्टर में ईरान की विशेषज्ञता ज्यादातर मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को रिवर्स इंजीनियरिंग करने या मौजूदा सिस्टम की कॉपी करने की है। ईरान की सैयद एयर डिफेंस सिस्टम को चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी माना जाता है। वहीं सैयद 2 को अमेरिकी RIM-66 मिसाइल पर आधारित माना जाता है। ये बताता है कि ईरान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अन्य देशों से सीखने के लिए तैयार है। ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन सहित अन्य समूह और देशों को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी निर्यात की है। अधिकांश ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों की एयर डिफेंस शक्ति सीमित है, लेकिन हाल के दिनों में वे तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए हिजबुल्ला ने पिछले 10 महीनों में कई बड़े इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ईरान अपने एयर डिफेंस को नए रडार और दूसरी क्षमताओं से लैस करना चाहता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइलों की रेंज से ही शक्तिशाली नहीं बनता है, बल्कि उनमें खतरों का पता लगाने, उसके बारे में जानकारी जुटाने और मिसाइल को सही लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम रडार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ईरान को खराब रडार का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। जनवरी 2020 में ईरानी एयर डिफेंस ने गलती से यूक्रेन एयरलाइंस के वाणिज्यिक विमान PS-752 को मार गिराया, जिसमें 176 लोग मारे गए थे। उस समय ईरानी रडार वाणिज्यिक और सैन्य विमान में अंतर नहीं कर सका। 1979 से पहले ईरान अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि ईरान के शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। उदाहरण के लिए ईरान पुराने अमेरिकी विमानों को उड़ाना आज भी जारी रखे हुए है। इससे ईरान की सेना को सोवियत और पश्चिमी दोनों तरह की तकनीक तक पहुँच बनाने में मदद मिली है। हाल के सालों में ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों के साथ साथ अपने उपग्रह कार्यक्रम पर भी सफलता हासिल की है, जो आमतौर पर ईरान की बढ़ती गरीबी के बावजूद अक्सर प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करता है। फिलहाल तो ईरान अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। जिस दिन ईरान मजबूत हो गया, उस दिन भले बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है इसराइल और अमेरिका के लिए। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं अचानक से ग्लोबल टाइम्स का हृदय परिवर्तन देखा जा रहा है। टाटा मोटर्स का नाम लेकर भारत की बड़ी जमकर तारीफ हो रही है। टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चीन से EV बैटरी खरीदने का फैसला किया है। इस फैसले पर चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जमकर खुशी का इजहार किया है। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलता रहता है। हालांकि इस बार चीन की इस सरकारी मीडिया का हृदय परिवर्तन हुआ है और उसने टाटा मोटर्स की इस डील को दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों का टर्निंग पॉइंट करार दिया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि टाटा मोटर्स का ये कदम
कदम ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छाए रहे हैं। ईवी जैसे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाले बिजनेस नए ट्रेड वॉर का जरिया बन गए हैं। अमेरिका समेत कई देश चीन के खिलाफ चाल चल रहे हैं, चीनी वाहनों के आयात पर अनुचित टैरिफ लगा रहे हैं। वे इस डर को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों में टैरिफ के कारण चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत जैसे बाजारों में डंप किया जाएगा। उसने आगे लिखा कि ईवी के क्षेत्र में चीन दुनिया का शीर्ष देश है, ऐसे में भारत के भीतर कुछ धारणाएं हैं। कुछ लोग चीन के इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में आई प्रगति से सीखने और चीन के साथ व्यवहारिक सहयोग करने का आह्वान करते हैं, जबकि अन्य ईवी गाड़ियों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में चीन की जगह लेने की आकांक्षा रखते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि टाटा मोटर्स की नवीनतम कदम ग्लोबल ग्रीन इंडस्ट्री के विकास के वर्तमान स्थिति के कारण संभव हो चुका है। इस समझौते को चीन भारत में सहयोग की क्षमता के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसा कि अमेरिकी वाहन निर्माता फोर्ड ने हाल ही में कहा था, एक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन एक किफायती बैटरी से शुरू होता है। फोर्ड इस सिद्धांत को गहराई से समझता है। उसने पिछले साल मिशिगन में ईवी फैक्ट्री बनाने के लिए चीनी बैटरी निर्माता कैटल के साथ अपने पार्टनरशिप की घोषणा की। हालांकि अमेरिका में आंतरिक राजनीतिक कारकों के कारण इस परियोजना को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, अस्पष्ट रूप से टाटा मोटर्स फोर्ड की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता है, खासकर कीमतों को लेकर संवेदनशील भारतीय बाजार में। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री के राजनीतिकरण का जोखिम बढ़ रहा है। इसके बावजूद टाटा मोटर्स ने राजनीतिक रूप से प्रेरित विकल्पों के बावजूद बाजार से चलने वाले विकल्पों के माध्यम से अपनी लागत के अनुसार ग्रीन इंडस्ट्री को विकसित करने का फैसला किया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि भारत सरकार और व्यापार समुदाय दोनों को ईवी वाहनों से बहुत उम्मीद है। भारत ईवी 30@30 अभियान में शामिल है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक ईवी के लिए 30% बिक्री हिस्सेदारी को हासिल करना। भारत सरकार ने घरेलू ईवी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय भी लागू किए हैं। हालांकि मूल्य निर्धारण जैसे कारकों के कारण भारत में वर्तमान ईवी वाहनों की बिक्री उम्मीदों से कम ही हो रही है, पर यहाँ पर आगे चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दूं, ग्लोबल टाइम्स जो है ज्यादातर बातें अपनी काम की करता है, अपने मतलब की करता है, और अगर आप ज्ञान देने लगो तो फिर उन्हें दिक्कत होना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक बात रही इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो एक बात तो सही है और वो चीज ये है कि चाइना दुनिया भर में इस मार्केट को कब्जाना चाहता है बहुत तेजी से, और इस मार्केट को अगर कब्जा लेता है चाइना तो फिर चाइना को टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा, सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसी चीज को रोकने के लिए बार बार अमेरिका और यूरोपीय देश किसी न किसी बहाने से इसके ऊपर आरोप भी लगाते रहते हैं। अब यहाँ पर टाटा ग्रुप ने जिस तरीके से साइन किया है, आने वाले दिनों में टाटा ग्रुप लगता है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्द ही मार्केट में उतारने वाली है। और टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं किया जा सका है। इन्होंने इन चीजों को इसलिए किया है ताकि मार्केट में जल्दी से जल्दी आ सके टाटा की गाड़ियां। जो बैटरी है, बैटरी सबसे बड़ा कंपोनेंट है और उसे लेकर टाटा इस मामले में फिलहाल के लिए ये डील करता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।